मुझे लगा कि जब मेरे पास खुद अपना कैनल है एंड मैं खुद पेट से रखा हुआ हूँ तो क्यों ना आप सबों के साथ मैं अपना कैनल को और अपने पेट से थोड़ा सा शेयर करूँ, शो करूँ। एंड मेरे पास एक्चुअली अभी तीन ब्रीड है, एक सेंट बर्नार्ड है, एक जर्मन शेफर्ड है, एक लैब्राडोर है। लैब्राडोर जो कि आप देख ही रहे हो, एक्चुअली मैं इसे कैनल में नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा जो माइकी है मतलब जो सेंट बर्नार्ड है वो ये लोग दोनों एक्चुअली एंटी है, तो ये लोग दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो एकदम झगड़ते रहते हैं। सो आज ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं बोलूँगा कि सबको अपने लाइफ में कभी ना कभी पेट्स रखना चाहिए फ्रेंड्स। बस मैं अपने वीडियो के थ्रू यही दिखाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में सबको पेट्स रखना चाहिए, ये आपको आपसे ज़्यादा केयर करेंगे। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड वन मोर थिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड बने रहिए इस ब्लॉग में। और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरे छोटे से कैनल को देख ही लिया एंड ये है जर्मन शेफर्ड मेरा स्टेट, बहुत ही नटखट है, हमेशा कूदा पानी है इसका काम है। एंड मैंने इसे हाल ही में मेटिंग भी करवाया हुआ है, तो कुछ ही दिन में इसके छोटे छोटे पपीज भी आने वाले हैं। हो मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे पास अभी दो मेटेड फीमेल है, एक ये आपने जो अभी लैब को देखा लकी को, ठीक है, तो दोनों अभी मेट है, तो एक डेढ़ महीने में दोनों के बच्चे होने वाले हैं। तो जैसे ही इनके बच्चे होते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड ये है माइकी, माइकी ये भाई माइकी बहुत ज़्यादा नटखट है, कुछ काम नहीं करता। ये मेरी माइकी, ये अप्रॉक्स 9 ईयर्स की हो चुकी है एंड ये मेरा स्टेलर, ये अभी 2 साल की है, कुछ बात करने नहीं दे रही है। फ्रेंड्स ये लोग एक्चुअली प्यार का भूखे होते हैं, ठीक है, आप इनसे जितना ज़्यादा प्यार करोगे ये उतने ही खुश रहते हैं, ठीक है। गाइस मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा, ठीक है। गाइज आप मेरे को कमेंट करते हैं, मैं कमेंट करके बता कि आपको मेरा ब्रीड कैसे लग रहा है। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही अभी रजिस्टर्ड डॉग है, सेंट बर्नार्ड जो है मेरा, ठीक है, ये स्टेला जो जर्मन शेफर्ड है एंड लकी, ये दोनों नॉन रजिस्टर्ड डॉग है, ठीक है, ये पेट क्वालिटी का है। एंड मैं भी सोच रहा हूँ इन फ्यूचर उससे कहो सेंट बर्नार्ड या गोल्डन रिट्रीवर कोई अच्छे कैनल से, कोई रेपुटेड कैनल से लेके आओ, मैं जब लेने जाऊंगा तो आप लोगों को उसका अपडेट मैं दूंगा ही। एंड और क्या, बस यही है, छोटा सा एक मेरा कैनल है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा शेयर करो यार। एंड अगर आपको डॉग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर और अपना एड्रेस तो दे दूँगा। एंड बस यही, थैंक यू।